नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचजे न्यूज। पहली बार इस बैंक ने गवर्नर पद के लिए निकाली वैकेंसी। आपको मिलेगी सालाना 4,34,00,000 रुपए की सैलरी। भारत में जैसे भारतीय रिजर्व बैंक है, वैसे ही इंग्लैंड का सेंट्रल बैंक है बैंक ऑफ इंग्लैंड। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने पहली बार गवर्नर पद के लिए वैकेंसी निकाली है। इस पद पर जिसे नियुक्त किया जाएगा उसे करीब करीब सालाना बेसिक सैलरी के तौर पर 4.8 लाख पाउंड यानी 4,34,00,000 रुपए मिलेंगे। बेसिक सैलरी के अतिरिक्त अन्य अनाउंस भी दिए जाएंगे। इंग्लैंड सरकार ने बयान में कहा कि बैंक ऑफ इंग्लैंड के लिए सही क्षमता अनुभव वाले व्यक्ति का चयन देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए हमने ये विकल्प निकाले हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर विकल्प चुन सकें, इसलिए यह प्रक्रिया अपनाई जा रही है। आपको बता दें कि वैकेंसी रिक्रूटमेंट फर्म सफायर पार्टनर्स की मदद से निकाली गई है। इंग्लैंड के सेंट्रल बैंक के गवर्नर पद के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में काम कर चुके लोगों को तरजीह मिलेगी। अगर आप इस पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपको लगता है कर सकते हैं, तो आप अपने अपॉइंटमेंट के लिए वेबसाइट पर जाकर अपनी योग्यता से लेकर सैलरी तक की सभी जरूरी जानकारियाँ देखकर अपना फॉर्म डाल सकते हैं। दरअसल बैंक ऑफ इंग्लैंड के मौजूदा गवर्नर मार्क कार्नी 31 जनवरी 2020 को पद छोड़ने वाले हैं। पद के लिए इंटरव्यू इस वर्ष जून जुलाई में होगा और नए गवर्नर के नाम की घोषणा की जाएगी। बैंक ऑफ इंग्लैंड के अगले प्रमुख के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का नाम भी चर्चा में है। रघुराम राजन के अतिरिक्त मौजूदा डिप्टी गवर्नर बेन ब्रैडबैंट, चीफ इकोनॉमिस्ट एंडी होल्डन, पूर्व डिप्टी गवर्नर एंड्रयू बेली और नेमत शफीक जैसे लोग पद के मजबूत दावेदार हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप इस पद के लिए दावेदार हैं तो। धन्यवाद। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एचजे न्यूज़।